हम बाइबल में एक बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह तब जा रहे थे यायर की बेटी को चंगा करने के लिए। उनको पता चलता है कि वो बहुत बीमार है। उसके घर वाले यीशु मसीह के पास आते रहो, कहते कि प्रभु सिर्फ तू ही कर सकता है, तू आ हमारे साथ चल, तू हमारे साथ चल तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। और यीशु मसीह उनके दुख को देख करके, अपनी दया से भर करके, वो उनके संग संग उनके घर को चलने लगता है। इसी बीच एक औरत रहती है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। और ये स्त्री 12 साल से पीड़ित रहती है, 12 साल से इसको कोई भी इलाज नहीं मिलता। डॉक्टर इसका इलाज करते तो ये, लेकिन इसको चंगाई नहीं मिल रही थी। बाइबल कहती है उसने सब अपनी धन संपत्तियों को खो दिया था वैद्यों के साथ इलाज करवा के। और मैंने आपको कहा है कि वैद्य इलाज करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं, आमेन। और जब इसने सुनी थी कि यीशु मसीह के बारे में, इसने सुनी थी कि वो चंगा करते हैं, यीशु मसीह के बारे में इसने सुनी थी कि वो छुटकारा देते हैं, यीशु मसीह के बारे में उसने सुनी थी कि वो अद्भुत काम करते हैं, और इसके अंदर ये मन ही मन कहा करती थी कि तब ये पुरुष आएगा तो मैं इसको छू लूंगी बस, और मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि बाइबल कहती है कि लोग उसको छूने के लिए तड़पते थे, तरसते थे, भीड़ जमाते थे, क्योंकि बाइबल कहती कि उसके अंदर से सामर्थ निकलती थी। और ये वाली बात उस लहू बहने वाली स्त्री को पता चल गई, और जब उसको पता चल गई और वो अपने मन में कहा करती थी कि जब मैं उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, जब मैं उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके बाद जब वो कही करी थी, एक समय ऐसे आता है कि यीशु मसीह उसके नगर से निकलता रहता है, और जैसे यीशु मसीह उसके नगर से निकलता रहता है, ये विश्वास कर लेती है कि मैं उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि अब मेरी आशा डॉक्टरों पे नहीं है, मेरी आशा किसी बाबा पे नहीं है। उसको बस एक ही बात पता थी कि एक यीशु मसीह करके है, यीशु नासरी का ही है जो चंगा करता है, जिसके जीवन में बहुत चंगाइयां हो रही है। वो जहां जाता है वहां दुष्ट आत्माएं कांपती है, भागती है, और बहुत सारी बातें थी। लेकिन ये स्त्री जाती है, और जैसी ये स्त्री जाती है और भीड़ रहती है, भीड़ के बीच में घुस जाती है, और जो ये कहा करती थी वो कर देती है। क्योंकि अपने मन में कहा करती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और ये जाती है और यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती, और जैसा वो कहा करती थी उसके साथ वैसा ही हो जाता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसको नहीं छुआ, यीशु मसीह तो जानता नहीं था कि वो कब आ गई, लेकिन जैसी उस स्त्री ने उस कपड़े को छुई, बाइबल कहती है यीशु मसीह के कपड़ों से सामर्थ निकली, और उस सामर्थ ने उस औरत को चंगा कर दी, बिना यीशु मसीह के इच्छा के, बिना यीशु मसीह के नॉलेज के वो स्त्री चंगी हो गई। हम सब ये बाइबल को रोज छूते हैं, ये प्रभु का वचन है, लेकिन कुछ ही लोगों के अंदर वो वचन की सामर्थ निकलती है, लेकिन बाकी सब लोग छू रहे हैं लेकिन उनके अंदर वो सामर्थ काम नहीं कर रही है। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है, तो चेले बोलते तू पागल हो क्या, पूरी भीड़ की भीड़ तुझ पर गिर पड़ रही और आप कह रहे प्रभु कि तुझे किसी ने छुआ है। वो बोलता नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। और वो ढूंढने लगा किसने मुझे छुआ। आप जानते हैं वहां पे बहुत से लोग यीशु मसीह को छू रहे थे, लेकिन किसी के अंदर यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ रिलीज नहीं हुई। लेकिन जब वो स्त्री ने विश्वास से यीशु मसीह को छुई, बिना नॉलेज के, जीसस के बिना नॉलेज के, उसमें से पावर निकली और उस लेडी को चंगा कर दी। हम में से बहुत से लोग प्रभु के वचन को रोज छू रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में हो रहा है, क्योंकि वो विश्वास से इसको छूते हैं और इसमें से सामर्थ निकलती है, इसमें से सामर्थ निकलती है। कुछ लोग बोल रहे हैं भैया आप भी भजन संहिता पढ़ रहे हो, हम भी भजन संहिता पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे जीवन में परेशानियां आई है। दो चीजें हैं, कुछ लोग विश्वास से छू रहे हैं, कुछ लोग अविश्वास से छू रहे हैं। वो स्त्री ने विश्वास कर ली थी कि मैं उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और जैसा उसका विश्वास था वैसा ही उसके साथ हुआ, यीशु मसीह के नॉलेज के बिना। वैसे ही चर्च, जब हम प्रभु के वचन को क्लेम करते हैं, रिलीज करते हैं, अगर सब कर रहे और हम भी करने लगे भीड़ के समान, तो कुछ हमारे लाइफ में उसका इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम विश्वास कर लेते हैं और विश्वास करने के बाद हम बाइबल को छूते हैं ना, बाइबल में से सामर्थ निकलती है।
बहुत से लोगों को हम सिखाते हैं कि जब वो बीमार पड़ते तो हम उनको लड़ना सिखाते हैं, क्योंकि हमारी कलीसिया युद्ध का घोड़ा है। हालेलुया, वो टांगे का घोड़ा नहीं है, वो रथ का, वो रेस का घोड़ा नहीं है, वो युद्ध का घोड़ा है। और हम सब चर्च को सिखा रहे हैं कि लड़ना है हमें इन चीजों से। और हम सब कोई बीमार पड़ता तो हम सबको 1 पत्रस 2:24 कहते हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं और लोग चंगे हो जाते हैं, और कुछ लोग नहीं होते और बोलते भैया आपने तो कहा था, हम तो बोल रहे थे, हम इतने बार बोले, हमने उतने बार बोले। बोलने से कुछ नहीं होगा, विश्वास करने के बाद जो आप क्रिया करते हैं उसमें से प्रभु के बिना नॉलेज एक्नॉलेज किए उसमें से सामर्थ निकलती है। ये स्त्री को यीशु मसीह नहीं जानते थे, ये स्त्री ने विश्वास से यीशु मसीह को छू ली और वो उसके अंदर से सामर्थ निकली और वो चंगी हो गई। अब आप बोल रहे हैं भैया पास्टर अगर अभी यीशु मसीह आ जाएगा तो मैं भी छू लूंगा, फिर मैं भी चंगा हो जाऊंगा, लेकिन अभी यीशु मसीह तो है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती यीशु मसीह जीवित वचन है, यीशु मसीह जीवित वचन है, यीशु मसीह देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। यीशु मसीह देहधारी हुआ। जब आप वचन को छूते हैं आप यीशु मसीह को छूते हैं, लेकिन जब आप भीड़ के समान उस वचन को छूते हैं बिना विश्वास करे, देखो तुक्का लगाते क्या काम करता है कि नहीं करता, वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आपको विश्वास से छूना पड़ेगा और बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और ये स्त्री जो थी, ये स्त्री सुनी थी इसने यीशु मसीह के बारे में, लगातार सुनती थी। आज यीशु ने मुर्दे को जिंदा किया, आज यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला, आज यीशु मसीह ने कोढ़ी को शुद्ध किया, यहाँ पे यीशु मसीह ने वो किया, यहाँ पे यीशु मसीह ने वो किया। ये सुन सुन के उसका मुंह बोलने लगा था कि मैं उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वैसे ही चर्च, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और जहां कहीं भी प्रभु किसी के जीवन में काम कर रहा और वहां पे उंगली रख करके आप बोलते हैं कि प्रभु जी ये मेरे जीवन में भी होने पाए, ये मेरे जीवन में होने पाए, आपका विश्वास बढ़ने लगता है। क्योंकि विश्वास का आत्मा प्रभु ने हमारे अंदर डाल के रखा है, हमें परमेश्वर से विश्वास मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 4:13 में कि उसने हमारे अंदर विश्वास का आत्मा डाला है, और जब उसने हमारे अंदर विश्वास का आत्मा डाला है उसको बढ़ाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ये प्रार्थना से नहीं बढ़ेगा, ये दूसरों से प्रार्थना करने से विश्वास नहीं बढ़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे, वचन को बोलेंगे तो आपका कान सुनेगा, और आप सुनेंगे तो आपके अंदर विश्वास आएगा, और जो आपके मन में भरा वो आपके मुंह में आएगा। चर्च, अपने आप आपके अंदर जो प्रभु ने विश्वास का आत्मा डाला है वो बढ़ने लगेगा। और तभी के लिए प्रभु कहता है ना कि ये तेरा बड़ा विश्वास है, किसको कहता कि तुम्हारा थोड़ा विश्वास है। हालेलुया, हम सब के अंदर विश्वास का आत्मा है, उसको बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में है। जब हम प्रभु के वचन को लेते हैं और एक बच्चे के समान दूध जैसे उसको पी लेते कि प्रभु अगर आपने अपने कोड़ी को चंगा किया तो आप मुझे भी चंगा कर सकते हैं। जब आप बोलते हैं लॉर्ड आई नीड दिस, आई वांट दिस टू हैपन इन माय लाइफ, आप बोलते कि मेरे जीवन में भी ये हो, आपके जीवन में ये होगा। बिकॉज भीड़ की भीड़ यीशु मसीह को छू रही थी लेकिन कोई चंगा नहीं हो रहा था। एक विश्वास का स्पर्श ने बिना यीशु मसीह के हाथ रखे उसके कपड़ों ने वो सामर्थ्य दिखा दी। अब जरा सोचिए, अगर आप प्रभु के वचन को लेकर के विश्वास कर लेंगे, अगर आप चलेंगे जिसने उस धरती को बनाया है, बाइबल कहती है उसका पांवदान धरती है, मिट्टी तक आपको चंगा कर देगी, रुमाल तक आपको चंगा कर देगा। आमेन, आमेन। तो चर्च, में आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं, ये स्त्री से हमें एक बात सीखने को मिलती है। ये स्त्री मन में कहा करती थी कि मैं उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह को छू रही थी लेकिन यीशु मसीह ने नहीं कहा मुझ में से सामर्थ्य निकल रही है, कोई मुझे छू रहा है। लोग बोल रहे कि भीड़ की भीड़ तो मुझ पर गिर पड़ रही है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे नहीं नहीं नहीं, कुछ स्पेशल टच था, ये स्पर्श कुछ अलग था, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, मेरे अंदर से सामर्थ नहीं लेती। लेकिन चर्च, जब आप विश्वास करके प्रभु के वचन को छूते हैं ना, उसमें से सामर्थ निकलती है। मुझे मालूम है बहुत से लोग मुझको देख रहे हैं, आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कोई बीमार होगा घर पे। आप विश्वास करें, विश्वास को कैसे बढ़ाएं? विश्वास मांगे नहीं, विश्वास को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे आप विश्वास को? अधिक से अधिक जो चीज आप चाहते हैं उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है उसको सुनते रहिए,
पढ़ते रहिए। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ चीज चाहते हैं उसके बारे में सुनते रहिए, उसको देखते रहिए, आपके जीवन में वो चीज होने लगेगी। आपको पता, जब याकूब लबान के घर में था तो परमेश्वर ने उसको बोला बादाम की लकड़ी छील देना, और जब भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हो तो उसके सामने छीली हुई लकड़ी डाल देना, जब जैसी वो उसको देखती रहेंगी तो उनके अंदर वही चीज पैदा होगी और जो बच्चे निकलेंगे वो धारियां वाले होंगे। और चर्च, वैसा ही होता है जब आप प्रभु के वचन को देखते हैं, जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, वचन को बोलते हैं, आप अपने अंदर उन चीजों को गर्भ धारण कर लेते हैं और कुछ समय के बाद वो चीजें डिलीवर हो जाती है। जब आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो चंगाई के लिए प्रार्थना करने से पहले आप वचन में जाइए। जितने जगह परमेश्वर ने चंगाई के बारे में लिखा अंडरलाइन कर लीजिए, उसको पढ़ते रहिए, उसको देखते रहिए कि यीशु मसीह कोढ़ी को चंगा किया, यीशु मसीह ने अंधे को चंगा किया, उसको देखते रहिए, उसको सेंस करते रहिए कि मेरा यीशु मसीह चंगाई करता है। अब बीमारी से बड़ा यीशु मसीह को बनाइए अपने इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में, अपने शब्दों में, अपने विचारों में, और उसके बाद प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना रहेगी। हालेलुया, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। क्योंकि जब आप विश्वास कर लेते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो सब चीजें आपके जीवन में दिखने लगती है। आमेन, दिखने लगती है। आमेन। तो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करता हूं। आप में से बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ समस्या होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे जगह आप लोग हिल रहे होंगे, डर रहे होंगे, एक दूसरे को फोन लगा रहे हैं, जस्ट प्रे फॉर मी, आई मेरे को इतना तकलीफ है, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे उस चीज की जरूरत है। दैट्स गुड, हमें अपनी नीड बता सकते हैं लोगों को, परमेश्वर को हम अपनी नीड बता सकते हैं, बट लोग हमारे अंदर विश्वास पैदा नहीं कर सकते। विश्वास हम अपने आप ही परमेश्वर की सहायता से विश्वास को बढ़ा सकते हैं। हाँ, दूसरा व्यक्ति जब प्रभु के वचन को बोलता, हम उसको सुनते तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम खड़े रहें, हमारा विश्वास हमारे अंदर जागता रहे। हालेलुया। तो आप में से बहुत से लोग इस वक्त दुखी होंगे और आप लोग सोच रहेंगे प्रभु मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, मैं इतना अच्छा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बुराई नहीं करता हूं, मैं गरीबों की मदद कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है। लेकिन एक पड़ोस में है एक ऐसा भाई है जो कुछ नहीं करता, वो लोगों को परेशान करता है, सब कुछ करता है, लेकिन प्रभु जब वो आपसे प्रार्थना करता है आप उसकी प्रार्थना को सुन लेते हो। ऐसा क्या है मुझ में? बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं। आई कुड सेंसेस। आपको पता है परमेश्वर आपको बदला अपने आपके कर्म के अनुसार नहीं देता है। आपके कर्म परमेश्वर को प्लीज नहीं करते हैं, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जब आप विश्वास करते हैं ऑटोमेटिकली परमेश्वर पर, जब आप विश्वास करते हैं ऑटोमेटिकली आपके चाल चलन भी अच्छे हो जाते हैं। आमेन। हर चीज विश्वास से ही मिलती है। आमेन। विश्वास से ही मिलती है हमें। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज हमें विश्वास से मिलते, चाहे वो कुछ भी क्यों ना। आज जो हम एक नया जीवन जी रहे हैं ना, हम विश्वास से जीते हैं। वो भी हम जब रात में सोते हैं तो हम पहली विश्वास कर लेते हैं कि कल मैं जिंदा रहूंगा और मैं कल ये काम करूंगा। ये क्या है? ये विश्वास है। हालेलुया। कभी कोई ये सोच के सोता कि अरे कल तो मैं मर जाऊंगा? नहीं, लोग विश्वास से सोते हैं कि कल उठ के मेरे को ये काम करना है। आपके अंदर ये विश्वास रहता है और आप बकायदा सुबह उठते हो। हालेलुया। तो ये दुनिया विश्वास में टिकी है, ये परमेश्वर पे विश्वास पे टिकी है। जब आप, बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, और हमारा और हमारे लिए जीना, आप और मेरे लिए जीना सिर्फ और सिर्फ विश्वास से है चर्च। और मैं बहुत आनंदित हूं इस समय पे, मैं बहुत खुश हूं कि धन्यवाद हो प्रभु जी, लोगों के पास पैसा नहीं है, धन्यवाद प्रभु जी आज सब बंद हो गया है, प्लीज मुझ पर पत्थर मत मारना। हालेलुया कमेंट्स के। आमेन, आमेन। मैं इसलिए खुश हूं कि प्रभु दिस इज द परफेक्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिलीव इन यू। ये बहुत अच्छा समय है कि आज लोगों के पास पैसे नहीं, ये एक अच्छा समय है। हमारा भरोसा सैलरी पे नहीं, हमारा भरोसा स्वर्ग में है। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है कि आप काम पे नहीं जा रहे, बहुत अच्छी बात है कि आपको कहीं से सोर्स नहीं आ रहा है जहां पर आप भरोसा रख सको। चर्च, ये बहुत अच्छा समय है परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए। बाइबल कहती है वो कौओं को पालता है,
हम तो मूल्यवान हैं। आमेन। तो चर्च, ये बहुत अच्छा समय है। ठीक है, आपकी जॉब से आप नहीं जा पा रहे हो, आपकी सैलरी नहीं आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा समय है चर्च, परमेश्वर को निहारने का, परमेश्वर की ओर ताकने का, कि प्रभु जी मेरा भरोसा ना तो रथों पे है, ना तो घोड़ों पे है, सेनाओं के यहोवा पे है। मेरा भरोसा मेरे मेरे मेरी कंपनी पे नहीं है, मेरी दुकान पे नहीं है, मेरे स्कूल पे नहीं है, मेरे खुद के व्यवसाय में नहीं है, मेरी नजर तुझ पर है। और देखना परमेश्वर किस रीति से आपकी जरूरतों को पूरी करेगा। चर्च, परमेश्वर ने हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन दूसरों के लिए बांटने के लिए बुलाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, ये बहुत अच्छा समय है, इसको पॉजिटिव में लीजिए, क्योंकि मैं आज जिस वचन से आपको बात करना चाहता हूं जो प्रभु ने मेरे अंदर डाला, वो है रोमियो 8:28। हालेलुया, हम उसको पढ़ देंगे। दीब्रा नासे चेरे रे रे। हालेलुया। हो सकता है कि ये बातें कुछ लोगों को मदद कर रही होगी। ये बहुत अच्छा समय है। अगर आज चर्च भी बंद है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर इसमें जरूर भलाई को निकालेगा। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हमें हर बातों को पॉजिटिवली लेना, हमें सर पे सर हाथ मार के नहीं बैठना, ओ ये क्या हो गया, परमेश्वर स्वर्ग में ऐसे नहीं बैठा, बहुत खुश नहीं हो रहा है कि हम सब ऐसे बैठे हुए हैं। ही इज वेटिंग, ही इज एक्साइटेड, वो उत्साहित है कि कब मेरा बच्चा मुझ पर भरोसा करे और तुरंत चीजें उसके लाइफ में रिलीज हो। आमेन। और इस वचन को मैं पढ़ दे रहा हूं कि हम जानते हैं, रोमियो 8:28, हम सब जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। चर्च, हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है, हम सबको मां के गर्भ में रचने से पहले प्रभु ने हमें नाम लेकर के पुकारा है। और बाइबल ये भी कहती है भजन संहिता में, नीति वचन में, कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक उद्देश्य के लिए एक बुलाहट के तौर पे चुन के रखा है। आमेन। तो हम सब लोग परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, चुने हुए लोग हैं। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो ये वचन आपके लिए, और ये कहता है कि हम सब जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, इवन ये लॉकडाउन भी हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, इस वचन को देखे हम परमेश्वर पे बिलीव करते हैं और ये सब बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। और आज मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं, हो सकता है आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, आपके घर में बहुत टेंशन होगी, जस्ट बिलीव इट लॉर्ड, आपका वचन कहता है आई लव यू लॉर्ड, आपका वचन कहता है कि सब बातें मेरे लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। चर्च, हमारा परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है। ठीक है, आपसे कोई गलती हुई होगी और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा होगा, लेकिन जिस मिनट आप पश्चाताप करते, आप बोलते लॉर्ड आई डिड इट, आई मैं मान लेता हूं कि मैंने गलती किया हूं, उसी समय प्रभु का लहू आपको धोता है, स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में हर चीज आपको साफ करने लगती है। और उसके बाद जब आप इस वचन को बोलते हैं प्रभु जी मैंने तो मेस क्रिएट कर दिया, मैंने तो ये चीजें कर दी है, बट लॉर्ड व्हाट कैन आई डू, उसी समय परमेश्वर हर एक बुराई को भलाई में बदल देता है। दैट्स अवर गॉड्स नेचर। परमेश्वर का यह स्वभाव है अंधकार को ज्योतिर्मय कर देना, परमेश्वर का यह स्वभाव है एक मुर्दे को जिंदा कर देना, परमेश्वर का यह स्वभाव है जब आपको लोग नकार दे, जो लोग आपको हटा दे, आपके बारे में गलत बोले, उसी जगह परमेश्वर आपको उठाना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, जिस तरह से हम अपने जीवन में अच्छी चीजें चाहते हैं उससे ज्यादा वो चाहता है हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करना। और ये रोमियो 8:28 आज मेरे हृदय में बहुत जल रहा था। हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ लोग लड़ाई झगड़े से परेशान होंगे घर पे, कुछ लोग टेंशन हो रही होगी, कुछ लोग को आगे की चिंता हो रही होगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सब कुछ कैसे चलेगा, ये कब तक रहेगा, कुछ लोग बीमार होंगे तो उनको ये चीज हो रही। लेकिन बीमारी परमेश्वर की भलाई नहीं है, लेकिन अगर आप बीमार है तो परमेश्वर आपको चंगा करके आपके ऊपर भलाई को दिखाएगा। और ये वचन कहता है कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर से हम जो प्रेम रखते हैं उनके लिए, उन्हीं के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। अभी जो भी हो रहा ना आपके साथ, आप बिलीव करें प्रभु जी ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना था, बट आपका वचन कहता है आप मेरे लिए इसी बात में भलाई को निकालेंगे। चर्च, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है कि मैं आपको इसमें और डीपली बताऊं, बट ये काफी रहेगा आपके लिए।
अगर आज आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं ना, प्रेज गॉड, प्रभु इसी में भलाई को उत्पन्न करेगा. जस्ट बिलीव, लुक इनटू हेवन, डोंट लुक सम अदर्स पॉकेट्स कि कोई मुझे उधार दे दे. ना 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 ना, दिस इज नॉट गॉड्स नेचर. प्रभु ने इसके लिए हमको नहीं बनाया. जस्ट सीक गॉड. ये अच्छा समय, मैं बहुत खुश हूं चर्च, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं अपने लाइफ में देख रहा हूं, व्हेन आई बिलीव गॉड आई सी थिंग्स कमिंग, आई सी थिंग्स कमिंग, आई सी थिंग्स कमिंग. और जो मेरे साथ लोग रहते थे, न्यू इट वेरी वेल कि हाउ, कैसे ये सब हो रहा है. जस्ट बिलीविंग गॉड. थैंक यू लॉर्ड, आज मेरे पास कोई स्रोत नहीं है. थैंक यू लॉर्ड, आई डोंट हैव अ बिग बैलेंस, बट आई डू नो दैट यू आर माय गॉड, यू आर माय प्रोवाइडर, एंड गॉड्स नेचर इज टू प्रोवाइड यू. हालेलुया. बट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि सब बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी. आज जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो एक भलाई को उत्पन्न करेगी. बिलीव करें, शुरुआती दिनों में उत्पत्ति में सब बेडोल और सुनसान था, सब बेडोल और सुनसान था, लेकिन परमेश्वर वहां पैनिक नहीं हुआ, परमेश्वर वहां परेशान नहीं हुआ. परमेश्वर परमेश्वर है. आमेन. जो वो देखना चाहता था उसने उस चीज को बोला और वो चीज हो गया. परमेश्वर ने उस बुराई में भलाई को लेकर के आ गया, उस अंधकार में ज्योति को लेकर के आ गया, तो वो आपके लिए क्यों नहीं ला सकता है? ये एक अच्छा समय. अगर आप बोल रहे, अगर आपकी शिकायत कर रहे हो कि भैया आई डोंट हैव एनी रुपीस, आई डोंट हैव एनी पैसा, आई डोंट हैव एनी राशन, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिलीव गॉड एंड ही विल सुपर नेचुरली प्रोवाइड यू थिंग्स. That is God's nature. But we have to do our part, then only God will do his part. Because faith opens the door for Jesus. Amen. हम विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. और परमेश्वर की महिमा, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि परमेश्वर की महिमा कब होती है, जब वो हमें बचाता है, छुड़ाता है कुछ बातों से. और इस बात से मैं अंत करूंगा. आप सब यूसुफ के बारे में जानते हैं कि यूसुफ का जीवन कैसा था. बच्चा था, छोटा था, लेकिन एक ऐसा समय आता है उसके घर वाले ही उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको मार देते हैं, उसको गड्ढे पे डाल देते हैं, उसको बेच देते हैं. बेचारा परेशान हो जाता है. कुछ दिन पहले ही एक सपना देखता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा. परमेश्वर ने भी आपको बहुत अच्छे दर्शन या सपने दिखाए होंगे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई, आपको लगा सब खत्म, आपको लगा सब खत्म. जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ था, उसको लगा सब खत्म, अब तो मैं बिक गया हूं. मैं अपने पिता के घर में एक राजा की तरह रह रहा था. उसने मेरे लिए ऐसा कोट को सिला था, रंग बिरंगे कोट को सिला था. लेकिन जब मैंने अपने भाइयों को वो दर्शन बताया, जो प्रभु ने स्वप्न मुझे बताया था, जैसे ही मैंने स्वप्न को बताया, जैसे ही मैंने दर्शन को बताया, मेरे भाइयों को जलन आ गई और मेरे भाइयों ने मेरे साथ ये कैसा कर दिया. बाइबल कहती है उसको मिस्रियों के हाथ बेच दिया. उसने एक सपना देखा था, उसका एक विजन था. आप सबका विजन होगा, लेकिन उसके विपरीत काम हो रहा होगा. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद चीजें बिगड़ती गई, सुधरती गई, बिगड़ती गई, सुधरती गई. इतने में उत्पत्ति 50 आता है, और 50 के 20 में क्या लिखा है, मैं लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करना चाहता हूं. जब यूसुफ के भाई लोग वापस आते हैं और उन लोग पछतावा करते हैं उसके सामने, रोते हैं कि हमने जो किया वो तेरे साथ बुरा किया, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे. आपको पता यूसुफ क्या बोलता है? मत रो, इस वक्त मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं. यद्यपि तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने इसी बुराई में मेरे लिए भलाई का विचार किया था. तो चर, जो चीज आपके साथ हो रही है, जो भी हो रहा है आपके साथ, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, लोग आपको छेड़ रहे हैं, लोग आपको धमकी दे रहे हैं, लोग आपको कुछ भी कर रहे हैं, या आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं. यद्यपि ये आपके लिए बुराई के लिए, यदि आपको मारने के लिए, आपको दबाने के लिए, आपके विश्वास को नाश करने के लिए आई थी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यद्यपि ये बातें तुमने मेरे लिए बुराई के लिए की थी, लेकिन परमेश्वर ने इसी बात में मेरे लिए भलाई को उत्पन्न किया है. चर्च, हमारा परमेश्वर बुराई को भलाई में बदलता है. हमारा परमेश्वर बुराई को भलाई में बदलता है. आज आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, हिम्मत नहीं हारना है हमें. डोंट लूज होप. गॉड विल टर्न एवरी बैड सिचुएशन इनटू गुडनेस, इनटू गुड इन योर लाइफ. That is the nature. Start seeing him as a good daddy. Hallelujah. परमेश्वर को देखना चालू करे कि वो भला परमेश्वर है. आज जो भी मैं अपने लाइफ में देख रहा हूं उसको वो बदल के भलाई में मेरे लिए बदल देगा. हाँ, कभी कभी कुछ चीजें जो हम खोते हैं वो हमारे जीवन में नहीं आती है. ऐसा हम सबों ने देखा होगा कि प्रभु जी मैंने कुछ कीमती खो दिया है, अब ये वापस नहीं आएगी. लेकिन आप मेरी बात को माने,
बुराई हुई है, ठीक है ये काम शैतान का था, ठीक है ये जो हुआ आपके साथ गलत है, जो कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु का नेचर क्या है, हर एक जो बुराई आपके साथ हुई है उसको भलाई में बदल देना, यही परमेश्वर का नेचर है, यही परमेश्वर की पहचान है। तो मैं आज आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप किसी भी बातों से जूझ रहे, हो सकता है आपने किसी प्रिय को लॉस कर दिया होगा, खो दिया होगा, आप बहुत ही तनाव से निकले होंगे, बहुत लॉस से निकले होंगे, अपने परिवार में किसकी मृत्यु को देख करके आप बाहर निकले होंगे, और ये बहुत कठिन है बोलना कि प्रभु उस व्यक्ति को वापिस लेकर के आ जाओ, लेकिन मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूं, जो हुआ ठीक है हो गया, लेकिन प्रभु भी इस वक्त आपके जीवन में बुराई को भलाई में बदल देगा, बुराई को भलाई में बदल देगा। मैं कुछ समय लूंगा, कुछ समय कुछ दिन के बाद मैं आऊंगा जरूर और आप लोगों से बात करूंगा कि जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे 2 साल पहले, मैं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा था, मैंने एग्जाम को क्लियर किया क्योंकि मेरे को सब बोलते थे कि झोला छाप पास्टर नहीं बनना है, लोग छेड़ते थे, तो मैंने कहा कि मैं पढ़ाई करूंगा, अच्छा पढ़ाई करूंगा ताकि लोग मेरे को अनपढ़ पास्टर ना बोले। सो आई डिड माई कंपनी सेक्रेटरी, मैंने पढ़ाई किया, फेल हुआ था, फिर पढ़ाई किया, फिर पेपर्स में फोटो छपी, मैंने अपना बीकॉम किया साथ साथ में, है ना, प्रभु ने अच्छे परसेंटेज दिया, आमीन। उसके बाद जब मैंने क्लियर किया, मैंने निर्णय ले लिया कि अब मैं ये नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे को जो डिग्री चाहिए थी मेरे को मिल गई, ठीक है, बट मेरा हार्ट पहले से प्रभु की सेवकाई में था और मैं प्रभु की सेवकाई को करते हुए जा रहा था, आमीन। मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत सपोर्ट करने लगे थे, बेटा तू कर, हम तेरे साथ में है। और उसी समय कुछ ऐसा होता है 2018 में अचानक से मेरे फादर एक्सपायर हो जाते हैं। मैं इकलौता लड़का हूं, मेरे पापा की सैलरी बहुत हाई थी, गवर्नमेंट सर्वेंट, किसी बात की कमी घटी नहीं, और एक ऐसा धक्का लगता है कि अब सब खत्म हो गया। उस समय मैं सेवकाई में आगे बढ़ ही रहा था, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं रोमन कैथलिक फैमिली से आता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम चर्च क्या होता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कैसे प्रचार करते क्या करते, लेकिन जब मैं अपना सीएस कर रहा था, मैं इंदौर में पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद मैं बैराखा में था, बैराखा प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज में, वहां पे मैं स्कूल में था, वहां से मेरे लाइफ में बहुत परिवर्तन आया, जिस बुलाहट से प्रभु ने मेरे को बुलाया था उसके बाद मैं आगे बढ़ता चला गया। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए अचानक से, उस समय मैं स्कूल ऑफ द होली स्पिरिट में सेवकाई को दे रहा था अपनी, बहुत धक्का लगा, ऐसा लगा सब खत्म, एक बुराई सी हो गई थी, और मैं इसको बोलूंगा इट वॉज द प्लान ऑफ अ डेविल। मैं ये नहीं बोलूंगा अपने आप को हिम्मत मारने के लिए, अरे प्रभु ने ले लिया, प्रभु ने दे दिया, ना ना, इट वॉज द वर्क ऑफ द डेविल, ही कम्स टू स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय। बट उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, सब लोग मेरे को फोर्स करने लगे कि यू हैव अ योर फादर वॉज इन द जॉब, गवर्नमेंट जॉब, मेरे को गवर्नमेंट जॉब लग रही थी, सब कुछ हो रहा था, बट आई वॉज स्टैंड, लॉर्ड मुझे मालूम है कि आप हर एक जरूरतों को पूरी करते हैं, मैं जॉब नहीं करूंगा, अगर जॉब सरकारी नौकरी करनी होती तो मैं ये सीएस का काम क्यों छोड़ता, मैं वो तो करता ना, मतलब मेरी लाइफ में ऐसी चीजें हुई थी जिसकी कहानी मैं कुछ दिन बाद आपको जरूर बताऊंगा, पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बट स्टिल आई वॉन्ट टू टेल यू। और ऐसा लगा कि सब खत्म, हमारे घर में कोई पैसा नहीं आ रहा था, मेरे पापा की सैलरी आई थिंक 70,000 कुछ होगी, और कुछ नहीं हो रहा था, सब लोग दबाव लगा रहे थे कि गो फॉर जॉब, अब इसको पिता की नौकरी करना पड़ेगा, बट मैंने अपनी मम्मी को बोला मम्मी मैं नहीं करूंगा, अब गॉड इज अ बिग गॉड, गॉड हैज कॉल्ड मी फॉर हिज मिनिस्ट्री, और प्रभु कहता है कि जो अपने माता पिता को प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं है, बट आई लव यू, आई लव माई फादर, बट मैं बिक चुका हूँ, मैंने अपनी मम्मी को जवाब दिया, मैं बिक चुका हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा दुनियादारी, बिकॉज मेरा फेथ ऐसा था, प्रभु ने मुझसे बात की थी कि मैंने तुझे बुलाया है, ये मेरे अंदर पहले से था, ऐसा नहीं कि किसी की बात सुन के मैंने कहा, इट वॉज इन माई हार्ट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। और जब मेरे पापा की डेथ हुई ऐसा लगा कि सब खत्म, अब हम लोग गरीब जैसे जिएंगे, क्योंकि मैं तो पास्टर हूँ, मेरे को तो मालूम नहीं है कि कैसे क्या होता है, जस्ट न्यूली पास्टर, 4-5 लोग चर्च में आ रहे हैं, 10-15 लोग चर्च में आ रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि ताइत क्या होती है, ताइत भी देते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यू विल लाफ अगर आप मेरी कहानी को सुनोगे तो, इट्स अ स्टोरी स्टोरी स्टोरी, बट प्रभु का धन्यवाद, आप जानते हैं हमारा लाइफ में जब मेरे पापा की डेथ हुई उसके बाद से ये वचन मेरे को मिला, यद्यपि ये बातें बुराई के लिए थी लेकिन प्रभु इसमें भलाई को उत्पन्न करेगा, अभी तक वी नेवर लैक अ सिंगल पैसा। आपको पता है मेरे पापा की डेथ के बाद वी बिकेम मोर गिवर्स,
किसी ने हमको 12 लाख रुपए गिफ्ट कर दिया, किसी ने हमको लैंड गिफ्ट किया, आमेन, हालेलुया। कैन यू इमेजिन, प्रभु का वचन कहता है कि सबसे पहले उसके राज, उसके धर्म की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। और वो समय था गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी कि ये करूं कि ये करूं, बट आई नो प्रभु जी बुराई हुई है, वी कैन नॉट डिनाई इट, बट यू आर अ गॉड हु कैन टर्न इट, आप उसको भलाई में बदल सकते हैं। और चर्च आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले 16 मई को मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, आज 17 मई है। Till now we are the givers, amen. हमें बहुत अच्छा लगता है देना, हम लोग को एक पैसे की कमी घटी नहीं है। हमको जिस बात का डर सता रहा था उसके ऊपर चढ़ के हम नाच रहे हैं प्रभु के गीतों पे कि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई भी घटी मुझे ना होगी, हरी हरी चराइयों में मुझे वो चराता है। That is the life of faith, hallelujah. When we believe and you know, जब आपको मालूम है कि वो हर एक बुराई को भलाई में बदल देगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। फिर आप देखते नहीं है कि कौन भाला लेकर के आ रहा है, कौन हथौड़ा लेकर के आ रहा है, आप सीधे परमेश्वर के वचन को लेकर के शत्रु की गुफा में पहुंच जाते और उसको ललकारने के लिए, आमेन। और यही कुछ हमारे साथ हुआ, इट वॉज रियली अ सुपर नेचुरल, इट वॉज रियली अ सुपर नेचुरल। तो चर्च आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, मैं एक दो दिन बाद जरूर अपनी ये टेस्टमनी को शेयर करूंगा कि कैसे क्या क्या हुआ, किस वचन ने मुझे हिम्मत दी और आज हम लोग आगे तक चल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने इतनी प्रॉस्पेरिटी को देखा, इतना ज्यादा देखा, मैं आपको बता नहीं सकता, आमेन। खैर ये सब बातें अलग है, बट सबसे अच्छी बात यह कि प्रभु हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी, आमेन। तो मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ, चर्च यूसुफ के भाई लोग जब उसके पास आए तो यूसुफ ने क्या बोला, यद्यपि तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए इसी बुराई में भलाई का विचार किया, और देखो आज परमेश्वर ने उसको कहां खड़ा कर दिया। आज आपके साथ जो हो रहा है ना चर्च, हो सकता है चर्च में बहुत कम लोग होंगे आप, कोई बात नहीं, परमेश्वर इसको भलाई में बदल देगा। हो सकता है कि आपको लोग रिजेक्ट कर रहे होंगे, हो सकता है लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, गलती निकाल रहे होंगे, बहुत सारी बार चिक 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 हो रही होगी, डोंट वरी, अपने केस को पवित्र आत्मा के साथ जो कि आपकी माँ है, आमेन, अपने पिता तक पहुंचे, अपने बेटे यीशु के कपड़े पहन के, हालेलुया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं याकूब के बारे में देखता हूँ, इजहाक लेटा था, वो पिता परमेश्वर है, फॉर एग्जाम्पल इजहाक पिता परमेश्वर है, रेचल सॉरी इजहाक जो रेबेका है वो पवित्र आत्मा है, मान लो एसाव जो है प्रभु यीशु मसीह है, न्यू टेस्टमेंट की ओर से देखेंगे, रेबेका याकूब को लेकर के चलती है जो पिता को पसंद है उस तक पहुंचाने के लिए, हमें पवित्र आत्मा लेकर के जाता है पिता के पास, और जब वो लेकर के जाती है तो उसको बड़े भाई के कपड़े पहना देती है, और जब पवित्र आत्मा हमें पिता के पास लेकर के जाता है तो वो यीशु मसीह को हमें पहना देता है। जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर के जाते हैं तो हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, और जब परमेश्वर हमें देखता है तो वो हमें नहीं प्रभु यीशु मसीह को देखता है, उसको सूंघता है, उसको सूंघता है, हालेलुया, भला और छूता भी है, भलाई हमारी आवाज है लेकिन वो ब्लेस हमें करता है। तो चर्च चाहे जो भी हो, यद्यपि आपके साथ बुराई हो रही होगी, आपके रिलेशनशिप में, आपके मिनिस्ट्री लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, डोंट वरी, परमेश्वर इस बुराई को भलाई में बदल देगा, ये हमारा परमेश्वर है। ये लॉकडाउन जो हुआ है ना, सब बोल रहे हैं परमेश्वर दंड दे रहा है, मुझे नहीं मालूम प्रभु क्या कर रहा है, बट मुझे एक बात मालूम है, परमेश्वर बुराई को भलाई में बदल देगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत उत्साहित हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज गुडनेस टू मैनिफेस्ट, हालेलुया। एंटिल नाउ, स्टिल नाउ, टुडे आल्सो आई एम सीइंग अ गुड गुडनेस ऑफ गॉड, बिकॉज आई नो ग्रेटर थिंग्स आर येट टू कम एंड ग्रेटर थिंग्स आर स्टिल टू बी डन, आमेन। अद्भुत बातें होने को और अद्भुत बातें होके ही रहेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी हमें निहत्ता नहीं छोड़ता, वो हमारा पिता है, वो संसार के पिताओं को बताना चाहता है कि मुझसे सीखो, मैं कितना भला पिता हूँ, मैं तुम्हारी कितनी चिंता करता। That's the power of God. That is the love of God. तो जो आज मेरा संदेश है, it's going here and there, but I just want to focus in this, कि विश्वास करें, विश्वास से प्रभु को छू लें, उसमें से सामर्थ निकलेगी, और विश्वास करें कि सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करें। जब आप प्रार्थना करते हो और आपकी चीजें, आपकी प्रार्थना के मुताबिक वो चीजें नहीं होती ना, जस्ट बिलीव दिस वर्ड, रोमियो 8:28 और उत्पत्ति 50:20 लिख लीजिए,
यद्यपि तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया, शैतान तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया, हे लोगों तुम मेरे लिए बुराई कर रहे हो कि मैं गड्ढे में गिरूं, बट परमेश्वर ने मेरे लिए उसी में भलाई का विचार किया है। आपको पता है परमेश्वर आपको अपलिफ्ट करेंगे। आमेन, आमेन। दैट इज गॉड्स नेचर। हालेलुया, हालेलुया। सो वी सर्व अ माइटी गॉड। व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। आमेन, जो कि भला है, अद्भुत है। आमेन। मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं जरूर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जरूर मैं अपनी इस गवाही को बांटूंगा कि कैसे इन 2 सालों जो मेरा जीवन गया है, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है ना। फॉर एवरी ग्लोरी, फॉर एवरी फॉर एवरी स्टेज, उसके पीछे एक बिहाइंड स्टोरी होती है ना, सबके लाइफ में है। आमेन। इट्स नॉट मी स्पेशल गाय, ओके, बट आई एम स्पेशल। Amen. I am son of God. तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। वो लोग परेशानियों से निकलते हैं, बट इट इज फॉर देयर ग्लोरी। Amen. सो दैट दे कैन गिव ग्लोरी टू गॉड थ्रू देयर लाइफ। Amen. तो ऐसी कुछ मेरे साथ हुआ था इन 2 सालों के अंदर में, कैसे प्रभु ने मुझे इतना अपलिफ्ट किया, कैसे प्रभु का फेवर मिला इतने सारी समस्याओं के बीच में, दैट इज उसकी एक अलग कहानी है। एंड डेफिनेटली 2 डेज के बाद मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। आमेन। ताकि लोगों को हिम्मत होए, हिम्मत मिले कि जब आप किसी को खोते हो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कौन सा वचन आपको हिम्मत देता है। आमेन। मैं ज़रूर बताऊंगा, ये मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हर एक बुराई को आपके जीवन में भलाई को बदल देगा। अगर आपका कोई रिश्ता टूट रहा है, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, विश्वास करें, जो भी हो रहा है परमेश्वर इसमें आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आमेन, हालेलुया। जब भी आपके लाइफ में हेल्थ अटैक आता, पता नहीं मैं हेल्थ अटैक देख रहा हूँ, जब भी हेल्थ अटैक आता है ना, तो परमेश्वर उसमें भलाई को लेकर के आता है, आपको बोलता है कि तुम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लो। आमेन। जब आपका सर दर्द देता है ना, बॉडी आपको बताती है ना कुछ होने वाला है, ताकि अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लो, वैसे जब आपके साथ कुछ चीज़ें होती ना, गॉड का डिज़ायर यही रहता है कि सो डैट यू कैन चेंज योर लाइफस्टाइल। आमेन। सो अपने आप को नम्र बनाए रखें, ताकि लॉर्ड आई एम रेडी टू गेट करेक्टेड, मैं तैयार हूँ सुधरने के लिए, आप मुझे सुधारे। बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर एक बुराई को भलाई में बदलता है, और वो आपके जीवन में बदलेगा। आज आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, प्रेज गॉड, हर एक बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। प्रभु की इच्छा ये नहीं कि आपका पॉकेट खाली रहे, प्रभु की इच्छा ये है चाहे कैसी भी स्थिति हो, आपके मुंह से धन्यवाद निकले, क्योंकि सब कुछ का देने वाला तो परमेश्वर है ना। जिस कंपनी में जॉब करते हो, वो बॉस आपको सैलरी नहीं देता है, वो प्रभु का फेवर है, वो प्रभु का प्रोटेक्शन है जो आपको सैलरी दिलवाता है। तो एक बहुत अच्छा समय है कि वी मस्ट सी गॉड फेस। ये बहुत अच्छा समय है कि हम परमेश्वर को निहारे, बिकॉज वो ही हमारी जरूरतों को पूरा करता है, ना कि लालच को। आमेन। तो आई ब्लेस यू विद दिस वर्ड ऑफ गॉड। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, आई ब्लेस एवरीबॉडी हु इज वॉचिंग मी। आई रिलीज योर ग्लोरी, आई रिलीज योर प्रेजेंस इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिलीज योर प्रेजेंस इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, वी नो दैट सम ऑफ द गुड थिंग्स यू आर केप्ट फॉर अस इन दिस सिचुएशन, वी नो डेफिनेटली आउट ऑफ दिस समथिंग गुड विल कम। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सिमसोन अपने लिए दुल्हन को देखने जा रहा था, तो बीच में शेर आ जाता है और शेर से उसकी लड़ाई होती है। आप भी कुछ अच्छा करने जा रहे हो और आपके बीच में ऐसा युद्ध आता है, आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, लेकिन सिमसोन उस शेर को मार देता है, और जैसे ही लौटता है तो उस शेर की लोथ से मधुमक्खी का छत्ता निकलता है, और वो शहद को चाटते चाटते घर चला था। जा रहा था तो युद्ध हुआ, आ रहा था तो उस शेर की खाल में क्या निकला, उसको मधुमक्खी का छत्ता। तो मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी बैटल आप फेस कर रहे हो, उसमें से मिठास निकलेगी। स्वीटनेस विल कम आउट फ्रॉम एवरी बैटल यू आर फेसिंग राइट नाउ। आमेन। क्योंकि परमेश्वर बुराई को भलाई में बदलता, दैट्स द नेचर ऑफ गॉड, दैट इज हु गॉड इज। हालेलुया, ही इज अ मिरेकल वर्किंग गॉड। हालेलुया। और वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। पिता यीशु के नाम से मैंने ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस यू। और प्रभु आपको ब्लेस करे। प्लीज शेयर दिस, अगर आपको लगता है तो प्लीज इसको सुने। आमेन। और कुछ डाउट हो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू पुट ऑल द स्क्रिप्चर्स जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कोट तो नहीं कर रहा, बट वट एवर वी आर सेइंग इट्स स्क्रिप्चर्स, मैं जरूर स्क्रिप्चर्स को डालूंगा। आई वॉन्ट टू ब्लेस यू, गॉड विल डू अ ग्रेटर थिंग्स इन योर लाइफ। He is your daddy. Just call him, Abba, Father, I love you. He is so excited for you. Amen. I bless you in Jesus' name.